हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 29 अक्टूबर के लिए कॉल्स दिए थे, बट अभी आज के लिए यानी कि 30 अक्टूबर के लिए मैंने आपको कॉल नहीं दिया क्योंकि वहाँ कन्फर्मेशन नहीं थी। और वैसा ही आज मार्केट में देखने को मिला है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है और बहुत से स्टॉक्स में गिरावट भी देखी गई है। तो गाइज, बहुत सारे चेंजेस आए हैं मार्केट में। कल भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है हमको। और जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आज कॉल दिए थे, चार कॉल में से हमारे सिर्फ एक में एसएल आया था और तीन में टारगेट अचीव हुए थे, तो वो भी हम देखेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूँ 31 अक्टूबर के लिए। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी का मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जैसे कि अपने टेलीग्राम चैनल के हर रोज़ कॉल दिखाया करता हूँ, जो भी मैं डेली यहाँ पर कॉल्स अपलोड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, जो भी लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता हूँ कॉल्स जिनमें वो ट्रेड कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वही कॉल्स मैं आपको यहाँ पर रोज़ दिखाया करता हूँ जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कॉल्स दिखा चुका था जो हमने महुरा ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग की थी। तो महुरा ट्रेडिंग में भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला, तीन कॉल में से हमारे दो कॉल्स में टारगेट अचीव हो गए थे और एक में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा क्योंकि मूवमेंट नहीं आया उसमें कुछ भी। बहुत ही कम स्टॉक्स थे महुरा ट्रेडिंग में जिनमें हमको मूवमेंट देखने को मिला था, बाकी सब में तो कंसोलिडेशन ही था। और आज के स्टॉक्स हम देखेंगे तो सबसे पहला जो कॉल हमने लिया था जील का, तो जील में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। काफ़ी बड़ा इसमें टारगेट, इसमें भी थोड़ा बड़ा था, 1.5% का करीब टारगेट था इसमें। या और यहाँ पर फिर मैंने कुछ स्नैपशॉट अपलोड किए थे जिसमें यहाँ पर मैंने दिखाया था कि जो क्लाइंट है जिनका मैं पर्सनली अकाउंट हैंडल करता हूँ, जैसा कि आप भी दे सकते हो अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए सर्विस ज्वाइन करने के बाद, तो यहाँ पर 5955 का टारगेट इनका प्रॉफिट हो गया था सिर्फ आधे घंटे के अंदर। और दूसरे क्लाइंट का भी जो छोटा सा अमाउंट अभी इनके अकाउंट में छोटा सा अमाउंट था, इन्होंने 40,000 दिए थे, तो 40,000 दो दिन में इनके 47,400 यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो सेकंड जो क्लाइंट है इनके अकाउंट में भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है और यहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग में 18,000 रुपये थे, 18,000 से इनके 22,800 रुपये हो चुके हैं। तो ये दो अकाउंट हैं जो अभी हैंडल कर रहे हैं। तो आप भी चाहो तो अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दे सकते हो, उसके लिए आपको सर्वे ज्वाइन करनी होगी, फिर आपको अपना अकाउंट देना पड़ेगा हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग कर आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में जोड़कर दे दिया जाता है। जैसा कि ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी रहती है लाइव मार्केट में, हमको टाइम पर एंट्री मिल जाती है, तो हम इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर आपको दे दिया करते हैं। और जो हमारा सेकेंड कॉल था इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस में आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस में भी हमारा टारगेट एसएल इसमें अचीव इसमें सॉरी टारगेट नहीं आ पाया था, इसमें एसएल हिट हुआ था हमारा। सिर्फ ये स्टॉक था काफ़ी दिनों के बाद जिसमें एसएल हिट हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पर एसएल देखना बहुत ही मुश्किल होता है, बट यहाँ आज हमको एसएल देखने को मिला है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी और काफ़ी ज़्यादा प्राइस अप डाउन हुए जिसकी वजह से इसमें एसएल देखने को मिला है हमको। और फिर हमने इंडिगो में ट्रेड किया तो इंडिगो में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो SBI का लास्ट कॉल लिया था, तो SBI में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था, 290 का टारगेट था, ये भी अचीव हो गया था। तो गाइस, इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप सर्विस ज्वाइन कर काम करना होगा। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको इस टेलीग्राम चैनल से ऐड कर दिया जाएगा। वैसे ये चैनल पेड चैनल है, यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट्स को ही ऐड किया जाता है जो पेड सर्विस ज्वाइन करने के बाद ही इसमें ऐड होते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको कैश मार्केट में काफ़ी अच्छे कॉल्स मिल जाते हैं। आप चाहो तो फ्यूचर ऑप्शन में भी काम कर सकते हो हमारे साथ, चाहे आप MCX में काम करना चाहो, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप काम करना चाहो, तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए सर्विस ज्वाइन कर ही काम करना होगा। और गाइज, अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो गाइज, अब हम देखेंगे हमारे इंट्राडे कॉल्स फॉर 31 अक्टूबर। तो गाइज, ये हमारे 31 अक्टूबर के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में ज़्यादातर लोग अपना पैसा सिर्फ डुबाते ही डुबाते हैं इंट्राडे में, उनको शौक लगता है, थोड़ा दिन पैसा कमाते हैं, पर जो लॉसेस होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को, लॉसेस बड़े करते हैं, प्रॉफिट में छोटे से ही प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब लॉस होता है तो वहाँ से पोजीशन काटने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और वहाँ से पोजीशन नहीं काटने की वजह से उनके लॉस बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से फंड बहुत जल्दी उनका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको SL दिए जाते हैं, प्रॉपर SL टारगेट के साथ ही आपको कॉल्स दिए जाते हैं। तो SL आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में टिकेंगे और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल पाएंगे।
तो लाइव मार्केट में बात ही कुछ अलग रहती है, क्योंकि हमको ओपनिंग और डायरेक्शन एकदम सही चीज़ वहाँ पर पकड़ने को मिल जाती है। तो वही चीज़ अगर हमको पकड़ने को मिल जाती है तो उन्हीं कॉल्स में हम काम करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉक्स में अगर गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर कॉल्स फेल भी हो जाते हैं, कभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स में काम करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइज़ आप सर्विस ज्वाइन कर काम करें, लाइव मार्केट में कॉल्स लेकर काम करें, तो वहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो चलिए गाइज़ आपको अभी सबसे पहला कॉल मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहला कॉल है हमारा ICICI बैंक का। तो ICICI बैंक या SDFC बैंक लें या कोई सा भी बैंक लें, सभी में आज आपको गिरावट ही देखने को मिली होगी। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं सभी में गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हमको। गैप अप ओपनिंग के बाद उसमें थोड़ी बहुत गिरावट रही है प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक उठाते हैं, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में मुझे सेल का जो कॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 470 से आपको सेल करके चलना होगा। 465.30 का आपका टारगेट रहेगा और 474.7 का आपका SL रहेगा। तो गाइज यहाँ पर 1% का टारगेट और 1% के SL का फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1% का टारगेट और 1% का SL यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर प्राइस डाल दिया जाता है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। फॉर्मूला लगा हुआ है, एक्सेल फाइल है, तो फॉर्मूला लगा हुआ था 1% का टारगेट 1% के SL का। तो गाइज़ यहाँ पर आप अगर 2,000 भी इन्वेस्ट, यहाँ पर आप 2 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2,000 का प्रॉफिट निकलेगा 1% के प्रॉफिट पर, 1% के टारगेट पर। और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड कॉल है ये है विप्रो का। सभी सेक्टर से मैंने एक एक स्टॉक उठाए हैं, तो यहाँ पर अब हम सॉफ्टवेयर कंपनी उठा रहे हैं विप्रो। तो विप्रो में भी यहाँ पर हमको गिरावट ही देखने को मिली है आज के दिन भी, और कल के दिन भी हमको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पर इसको सेल करके चलेंगे 253.40 से। हमारा टारगेट रहेगा 250.85 का और SL हमारा रहेगा 255.90 का। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको इसमें मिल सकती है कल के दिन, इस पर ध्यान देकर चलिए, विप्रो में आपको प्रॉफिट होगा। और जो थर्ड कॉल है हमारा ये है हमारा सिप्ला का। फार्मेसी कंपनी उठाई है हमने, तो फार्मा कंपनी में हमने सिप्ला में दाव लगाने के लिए इसमें कुछ टारगेट और SL लिए हैं। और प्राइस जो मैं आपको दे रहा हूँ यहीं से आपको एंट्री लेनी होती है, इससे पहले अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर दिए हुए प्राइस पर आप एंट्री लेते हैं या करेंट मार्केट प्राइस में भी अगर ये आपको ब्रेक होता हुआ दिख जाए, एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए, आप करेंट मार्केट से एंट्री ले लीजिए, आपको वहाँ पर टारगेट और SL जाता हुआ, यहाँ पर टारगेट आता हुआ आपको मिल जाएगा। और लेकिन SL आप ज़रूर लगाइए, SL लगाना कभी ना भूलें। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप SL और टारगेट लगाना सीख पाएंगे। और यही चाहूँगा कि आप स्टॉक्स में आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करवा कर मेरे साथ जोड़ सकते हैं, और स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर भी आप सर्विस ज्वाइन कर जोड़ सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको लाइव मार्केट में कॉल्स दिए जाएंगे, बहुत ही शानदार कॉल्स होते हैं लाइव मार्केट में। मैंने आपको जैसे दिखाया टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने वीडियो काट कर देखा है तो बैक जाकर देखिए, टेलीग्राम चैनल के कॉल यहाँ पर मैंने आपको दिखाए हुए हैं। और बाकी सारे वीडियो भी आप चेक करेंगे तो सभी वीडियोज़ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के डेली के कॉल्स वहाँ पर दिखा दिया करता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। लाइव मार्केट में SL आज ही देखने को मिला है, 1-3 में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं, तो बहुत ही मुश्किल से SL मिला है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको SL बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलता है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर हमेशा टारगेट ही अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो आप सर्विस ज्वाइन कर काम करें, लाइव मार्केट में कॉल्स रिसीव करें और प्रॉफिट निकालें, लॉसेज हैं तो रिकवर करें। और यहाँ पर हम इसको सेल करके चलेंगे, 462.20 से हमारा टारगेट रहेगा, 457.55 पर SL हमारा रहेगा, 466.80 का। तो यहाँ पर हम सिप्ला में भी ले चुके हैं प्राइजेस। तो हमारा जो फोर्थ कॉल है ये है ICICI जनरल इंश्योरेंस का, लॉम्बार्ड भी कह सकते हो आप। आपको यही कोड डालना होगा, ICICI GI आप डालोगे तो आपको यहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी ऊपर इसका प्राइस आ चुका है। चाहे HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें या ICICI जनरल इंश्योरेंस की बात करें, तीनों कंपनियां बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर दिखा रही हैं। ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, काफ़ी टाइम से जब से मैंने अपनी लिस्ट में इनको जोड़ा हुआ है तभी से ये भाग रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक। तो आप भी इस स्टॉक पर ध्यान देकर चलें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक्स हैं अगर होल्ड करना चाहें तो। और गाइज हम इसके प्राइस देख लेते हैं, तो हमको इसको सेल करके चलना होगा 1355 से, हमारा टारगेट रहेगा 1341 का और SL हमारा रहेगा 1369 का। तो प्राइजेस पर ध्यान देकर फिर ही ट्रेड करना, और SL और टारगेट लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारा लास्ट कॉल है ये UPL का, तो UPL में भी आप देख रहे हैं गिरावट ही हमको देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग ली उसने थोड़ी और वहाँ से गिरावट दिखाई है। तो
तो यूपीएल में भी हम इसको सेल करके चलेंगे 580 से, हमारा टारगेट रहेगा 574.20 का, और एसएल हमारा रहेगा 585.80 का। तो गाइज यहाँ पर हम अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद करेंगे कल निफ्टी में हमको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स हमको सिग्नल दे रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट आ सकती है कल के दिन। तो जो भी ऑप्शंस में काम करते हैं वो निफ्टी में पुट बाय करके चलें, मॉर्निंग से ही बाय करके चलें, 2 घंटे के अंदर अपनी ट्रेडिंग खत्म करें, जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो निकाल लें, जितने ज़्यादा लॉट ले सकते हो लॉट ले लें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्राइस कल के दिन बहुत ही कम मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्राइस बहुत डाउन रहेंगे। और बस यही कहूँगा, अलर्ट रहें, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में ज़्यादा होल्ड करना बेकार चीज़ है। आप उसको 1 घंटे के अंदर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट बुक कर कर वहाँ से निकल जाएँ तुरंत, क्योंकि वहाँ बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्राइजेस के रेट वो जो हैं बढ़ना बंद हो जाएंगे। तो आप शुरू के सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लें, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका प्रॉफिट कल के दिन अगर आप निफ्टी को सेल करके चलेंगे। उम्मीद यही है कि निफ्टी में एक अच्छी गिरावट आ सकती है कल के दिन। तो गाइज़ यहाँ पर हम अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे कि आप लाइव मार्केट में ज्वाइन कर कर काम करें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।